हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेबी रॉक्स टीम्स। तो मैं आप लोगों के लिए आ गया हूँ गाइस मैच कवर करने, जो कि खेला जाएगा बांग्लादेश T20 लीग का BDH वर्सेस GGC के बीच 1 घंटे 22 मिनट बाद। तो बात करूँ गाइस इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद कहाँ मिलेगी। इस मैच की आपको फाइनल टीम मिलेगी मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। तो अभी एक BBL चल रहा है गाइस, उसमें शायद अल्ट्रा क्विंसिप लगेगी अपनी, क्योंकि जिन्होंने मेरी वीडियो देखी थी जो GL खेलते हैं, उनको मैंने पहले बोला था कि इंग्राम को कैप्टन ट्राई करना, आज शॉट्स के इतने चांस नहीं है चलने के, क्योंकि पिछले मैच में भी इसकी विकेट गिर गई थी। आज फिर वही हुआ, 2 रन पे आउट हो गया और उसने बॉलिंग 1 ओवर डालनी, तो फायदा मुझे लगता नहीं है शॉट का, लेकिन मजबूरन में लेना पड़ता है और कैप्टन रखना पड़ता है मुझे। और ये आप देख सकते हो ऊपर। तो चलते गाइस आगे, बात करूं अगर मैं इस मैच की, तो इन दोनों टीम्स के बीच पहले ही मैच हो चुका है, तो इसमें एक बहुत ज्यादा ध्यान देना, क्रेडिट इशू बहुत ज्यादा है इसमें। बात करूं विकेट कीपर की, तो लीटन दास और एम रहीम दोनों बांग्लादेश के इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर, लेकिन अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूँ देन जो मेरे सामने रिकॉर्ड आया है, लिटन दास की स्ट्राइक रेट तो काफ़ी ऊपर है एम रहीम से। एम रहीम एक एवरेज प्लेयर है, वैसे बहुत बढ़िया लगता था पहले मुझे, लेकिन ये अपना रिकॉर्ड थोड़ा डाउन हो गया इस प्लेयर का, तो कोई बात नहीं। क्रेडिट इशू भी है, मैं लेना चाहता था, क्या करे गाइस, क्रेडिट इशू ने मार डाला है, तो इसलिए मैं नहीं ले पा रहा इसको। तो बात करूँ बैट्समैन की, एक प्लेयर है शाबिर रहमान, इस बंदे ने अपना रिकॉर्ड ना खराब कर लिया गाइस। मतलब 5 मैच होते हैं किसी एक में चलता है, फिर 5 मैच होते हैं किसी एक में आपको चलता हुआ दिखेगा, तो ऐसा प्लेयर लेने का यार मेरे को नहीं फायदा लग रहा स्मॉल लीग में। ग्रैंड लीग में आप ट्राई करो, भले ही आप VC ट्राई करो, कैप्टन करो या अपनी टीम में लो, लेकिन मेरा जो मानना है शाबिर रहमान को आप GL में ट्राई करना, स्मॉल लीग में मत करना गाइस, क्योंकि अगर ये बंदा 0 पे उड़ता है तो आपके पॉइंट्स बिल्कुल, मतलब आपने एक प्लेयर वेस्ट कर दिया। तो इसकी जगह मैं लूंगा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन Y Ali Chaudhary। हर मैच में इस बंदे ने चलना है, मतलब अगर ये ओपनर आ गया ना किसी दिन, Y Ali Chaudhary या वन डाउन भी आ गया, वन डाउन अगर भेजना शुरू हो गया, तो Y Ali Chaudhary हर मैच में 40-50 रन मार के जाएगा। और आगे से बात करूं नईम शेख की, पिछले मैच में इसने 5 रन लगाए थे जिसमें कि इसकी स्ट्राइक रेट गिर गई और ये आउट हो गया, तो मुझे ये सही नहीं लगा, लेकिन वैसे बहुत चलता है, बढ़िया प्लेयर है और स्ट्राइक रेट भी कमाल की है। और आगे से बात करूं हसन जॉय की, M Hasan Joy, कई लोग कह रहे थे भाई बॉलिंग करता है, ये बॉलिंग 1 ओवर भी नहीं करता गाइस। और आपको बता दूं M Hasan Joy टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, ये आपको प्लेयर या तो कभी वन डाउन दिख जाएगा या ओपनर आता हुआ दिख जाएगा। आगे से बात करूं ऑलराउंडर की, सौम्य सरकार, मैं इसको ना क्यों ले रहा हूं, एक्चुअली मजबूरी में, क्योंकि ये ओपनर आना है इसने, तो ओपनर प्लेयर छोड़ने का मन नहीं करता, बॉलिंग ये डालता है 1 ओवर बस, नाम का ऑलराउंडर है गाइस। वैसे अगर एक आधी विकेट आ गई तो हमारे लिए अच्छा है, सिलेक्शन भी ठीक है, तो इसलिए ले रहा हूं कि यार इसका ना बांग्लादेश का काफ़ी नामी गामी प्लेयर है, और अगर ऐसे हम बड़े बड़े प्लेयर छोड़ देंगे तो हमारी टीम में भाई लॉस के अलावा कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं लिटन दास एंड सौम्य सरकार को लिया है। तो आगे से बात करूँ M Hussain को सिर्फ मैं ले रहा हूँ गाइस बॉलिंग के चक्कर में, इसकी इकॉनमी रेट बहुत अच्छी है प्लेयर की, और अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊँ, अगर ये बैटिंग में सेंचुरी मारता है फिर तो मैं खुश भी होऊंगा, और अगर ये भाई 0 पे भी आउट होता है फिर मैं दुखी भी नहीं होऊंगा, क्योंकि गाइस मैंने इसको लिया ही सिर्फ बॉलिंग के तौर पे है, मुझे इसकी बैटिंग से मतलब नहीं, भले ये सेंचुरी मारे या 5 रन पे आउट हो, आप भी ऐसी सोच रखो, क्योंकि बॉलिंग के तौर पे लो, 4 ओवर बॉलिंग है, बॉलिंग बहुत अच्छी है प्लेयर की, एटलीस्ट अपनी होम पिच पे चलेगा। और आगे से बात करूँ मुख्तार अली जो कि पिछले मैच में 3 विकेट्स लेके गया, जो हमारा वाइस कैप्टन था, तो मतलब हमें 50 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गए थे, मतलब इतनी सारी विकेट गिरने पे, तो एम अली वैसे बॉलिंग बहुत अच्छी करता है और इस टीम के खिलाफ तो खासकर। आगे से बात करूँ बॉलर की, एम रहमान ऐसा कोई मैच नहीं है जिसमें कि इसने विकेट ना ली हो, नॉट ए सिंगल मैच, देख सकते हो क्या प्लेयर है, क्या बोलूँ इसके बारे में, मतलब यार काफ़ी बार देख लिया कि एक बार तो कोई प्लेयर विकेट नहीं लेता, लेकिन इस बंदे ने हर मैच में विकेट लेनी है, भले ही कभी बोल्ड मारेगा, कभी LBW, कभी कैच आएगी, तो मैं मानता हूँ यार। और आगे से बात करूँ रूबेल हुसैन ऑल्सो ए गुड प्लेयर, बांग्लादेश का काफ़ी बढ़िया प्लेयर है ये भी, एंड आप देख सकते हैं भले प्रीवियस मैच में विकेट नहीं आई, लेकिन मेरे को लगता है कि नेक्स्ट मैचेस में अच्छा परफॉर्म करने की ताकत है। इस्लाम की बात करूँ, इस्लाम ऑल्सो ए गुड प्लेयर गाइज, हर मैच में तो विकेट नहीं आ रही, लेकिन इकॉनमी रेट से बहुत बढ़िया है। और आगे से बात करूं नेक्स्ट S Islam की, अलग अलग S Islam अलग अलग टीम के है, तो दोनों को ट्राई करना, आज मुझे इस पे बहुत शक है कि ये कुछ खास करेगा इस विकेट के, इस टीम के खिलाफ। और आगे से बात करूं कैप्टन वाइस कैप्टन की, कैप्टन रहेगा लिटन दास एंड वाइस कैप्टन एम अली। तो गाइस ये नहीं मेरी टीम, मिलता हूँ अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय, आपका दिन शुभ रहे।